नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। नेता और प्रशासन हाथ जोड़ने में लगे हैं, जनता सामान खरीदने में लगी है। इस लॉकडाउन के बीच प्रशासन नेता अपील कर रहे हैं, घर में रहो, मगर जीवन बाग की जनता मार्केट करने सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच निकल पड़ती है, जिसको लेकर काफ़ी भीड़ होती है। और ऐसे में जो घर में रह के कानून का पालन कर रहे हैं, उनको लगता है हम किसी बीमारी के चपेट में ना आ जाएं। वहां के रहवासियों ने प्रहार टाइम से बताया कि काफ़ी दिन से हम लोग घर में हैं और बाजार लाने तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। और इसी तरह से जिस तरह से भीड़ देखी जा रही है, वो सोशल डिस्टेंस को लेकर वो काफ़ी जो है कुछ बयां कर रही है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मार्केट का हाल है, किस तरह से लोग सड़कों पर बाजार खरीद रहे हैं, लोगों ने वीडियो बनाकर भेजा है। जिस तरह से पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव की खबरें सामने लगातार आई, उससे मुमरा पूरी तरह दहशत में है। और यही नहीं, मुमरा पुलिस स्टेशन के 4 पुलिस अधिकारियों को कोरोना पॉजिटिव आया, जिसको लेकर बाकी के पुलिस की टीम को क्वारंटाइन किया गया। और अब पिछले 4 दिन से PI कन्हैया थोराट को मुमरा पुलिस स्टेशन का चार्ज दिया गया है। उन्हीं के साथ PSI करडे और अन्य अधिकारी को मुमरा पुलिस स्टेशन में तैनात किया है। पिछले 3-4 दिन से मुमरा पुलिस के चार्ज संभालने वाले कन्हैया थोराट व उनकी टीम PSI करडे ने मुमरा कौसा के सभी मस्जिद, बिल्डिंग व सोसाइटी में जाकर अपील कर रहे हैं, यहां तक घर घर जाकर समझा रहे हैं कानून का पालन कैसे करना है, कोरोना से कितना खतरा है, इससे कैसे बचे, इस कोरोना को कैसे हराएंगे। अब तक की कई वीडियो वायरल हो रही है। मुमरा पुलिस की टीम जो माइक लगाकर सोसाइटी में जाकर लोगों से अपील कर रही है, आपको सुनने की जरूरत है, पहले आप सुनिए। पहले यहाँ पे ना लोगों को बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन जहाँ पे हिफाजत से रहना चाह रहे लोग, महफूज रहना चाह रहे लोग, उनके रिक्वेस्ट पे मुझे यहाँ पे आना पड़ा और आपसे रूबरू होना पड़ा। आपकी सोसाइटी के हजरत मेंबर आपकी जान की अहमियत जानते हैं, इसलिए उन्होंने आज से डिसीजन लिया है कि आपकी सोसाइटी का मेन गेट वो पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। यहाँ से कोई भी 2-व्हीलर और 4-व्हीलर इसेंशियल जो भी ज़रूरत है उसकी वजह से बाहर निकलेगी, वरना बाहर नहीं छोड़ी जाएगी। आप भी उनको कोऑपरेट करें, बस इतनी आपसे दरख्वास्त करूँगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। मुमरा के हालात आज के तारीख में ऐसे है कि यहाँ पे अभी शुरुआत हो चुकी है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा आपको मैं बहुत दिल के गहराई से बता रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा खामियाजा मुमरा पुलिस स्टेशन में भुगता है। आप लोगों को अगर पता नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुमरा के बड़े से बड़े आला अधिकारी, उनके साथ काम करने वाले जो दूसरे ऑफिसर थे, वो ऑफिसर उनके साथ में जो बाहर से बंदोबस्त के लिए जो कर्मचारी आए थे वो भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। और आपसे जो बंदा बात कर रहा है वो भी आज टेस्ट करके आया है, तो इसकी अहमियत और इसका जो साझापन, खतरनाकपन जो है वो आप समझ ले। इसमें आपको आपके घर में महफूज रखना है, अपने दहलीज के अंदर रखना है, आपको इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, इसके अंदर आपको आपके घर में कोई नया मेहमान नहीं लाना है, इसके अंदर आपको किसी के घर में मेहमान बनके नहीं जाना है, इसके अंदर आपको किसी भी अनदेखी और जो बेगैरत चीज है उसको नहीं छूना है, क्योंकि ये चीज एक अभी तो मतलब कि अभी तक नहीं बताया गया था, लेकिन ये चीज अभी पता चला है कि हवा में से भी ऐना फैलती है। वही ठाणे महानगर पालिका काफी सख्ती में है, मुमरा कौसा में काफी जद्दोजहद कर रही है, लोगों को समझाने में लगी है। एक अधिकारी ने जानकारी दी, सोशल डिस्टेंस मेंटेन न करने वालों व सरकारी कामों में बाधा डालने वालों पर 2 लोगों पर ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं, और अगर लोग सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे उन पर भी ठाणे महानगर पालिका की नज़र पड़ी तो उन पर भी FIR दर्ज होगी। फिलहाल 2 लोगों पर मामला दर्ज किया है और इस पूरे मामले में ठाणे महानगर पालिका सोच विचार कर रही है, क्योंकि अधिकारियों का कहना है जितना मुमरा में पान की दुकान नहीं है उससे ज़्यादा मेडिकल की दुकान है, गली गली में है मेडिकल, जो है आपको काफ़ी भारी तादाद में मेडिकल दिखाई देंगे, और उससे ज़्यादा दवे के नाम पर सड़कों पर घूम रहे लोग। अब ठाणे महानगर पालिका सोच विचार कर रही है, कुछ नियम है जो बदलने होंगे, सुबह में और शाम में कुछ ऐसा तरकीब निकालना होगा, उन्हें जो है टाइम टेबल बनाना
पड़ेगा ताकि उसी हिसाब से दुकान खुलेंगी सुबह में और शाम में। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।